नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप यदि हर महीने अपने खाते में 1,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं और आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं तो आप किस तरह से लाडली बहना योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, आप इसका आवेदन कैसे लगा सकते हैं और वो क्या क्या तैयारियाँ आप करें जिनसे आपका जो आवेदन है वो आंगनवाड़ी में या पंचायत या ग्राम वार्ड ऑफिस में जाने के बाद रिजेक्ट ना हो। वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण तैयारियां हैं जो आपको आवेदन करने के पहले ही कर लेनी है सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आधिकारिक पोर्टल पर, जिसकी लिए आपको गूगल पर जाके लिखना है सीएम लाडली बहना योजना और ये लिखने के बाद में आपको इसे कर लेना है सर्च। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आपको इसी पर क्लिक कर देना है और ये क्लिक होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आधिकारिक पोर्टल है। इस पे आपको कुल मिला के सबसे पहले ये 6 ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं, ये जो आपके 3 मुख्य बिंदु हैं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो समग्र आईडी है वो आधार से लिंक है या नहीं। बहुत सारे लोग बैंक खाते को लेकर और समग्र आईडी को लेकर इस कंफ्यूजन में है कि भाई आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना है या आधार कार्ड को समग्र से लिंक करना है। आपको लिंक दोनों से ही करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समग्र नगर निगम देखती है और बैंक आपका जो भी बैंक खाता है वो पर्टिकुलर बैंक जैसे कि SBI, एक्सिस, जो भी आपका संबंधित बैंक है वो आपका लिंक KYC अलग देखती है और समग्र KYC आपका पंचायत वार्ड नगर निगम देखता है। तो आपको सबसे पहले अपनी समग्र आईडी में अपनी KYC करवानी है। KYC कराने के लिए आप किसी भी पास के MP ऑनलाइन की दुकान पर जा सकते हैं या फिर आप खुद से KYC करना चाहते हैं तो आप ऊपर राइट साइड में जो आई बटन पर देख सकते हैं कि समग्र में KYC कैसे करें, इस मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं और मेरे वीडियो को देखकर अभी आप KYC कर सकते हैं। जब आपकी समग्र में KYC हो जाएगी उसके बाद में आपको बैंक जाना है। बैंक में आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा KYC करने हेतु। बैंक में के जब आप बोलेंगे कि मुझे आधार कार्ड को लिंक कराना है तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को भर के आप बैंक को जैसे ही देंगे तो आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक कर दिया जाएगा और DBT सक्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको दे दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब है योजना या कोई भी ऐसा पैसा जो योजना के अंतर्गत आपके खाते में आता है उसको DBT सक्रिय खाता कहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर जानना चाहते हैं कि इसमें आपकी पात्रता क्या है, मतलब आप किस तरह से इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है, आपको विवाहित होना ज़रूरी है, आपकी जो उम्र है वो 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होना ज़रूरी है। अब कुछ महिला इसमें विधवा, तलाकशुदा, ये विधवा और तलाकशुदा महिला भी इस फॉर्म को भर सकती हैं पूरी तरह से। और ऐसे कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो लोग हैं जिनकी परिवार की आय यदि 2.5 लाख से ज़्यादा है, यदि वो टैक्स भरते हैं या फिर वो किसी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हों। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यही होगा दोस्तों कि आपको 1,000 रुपये प्रति माह की राशि आपके खाते में दी जाएगी, जो भी खाता आधार लिंक से DBT सक्रिय खाता होगा केवल उसमें। तो दोस्तों, अगर आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आवेदन देना है तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ये 2 चीज़ें समग्र कार्ड में KYC और बैंक खाते में KYC करने के बाद में आपको ये फॉर्म
भर के ये जो फॉर्म है इसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे भरना है आप मेरा एक और वीडियो है, आई बटन पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि समग्र मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है। इस फॉर्म को भरने का भी एक मैंने अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और उस प्रकार से फॉर्म भर के आंगनवाड़ी में जाके इसको जमा करके लाडली बहना योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।